नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक फोन कॉल और उस फोन कॉल से गोदी मीडिया का चेहरा उतर गया, अंधभक्त उदास हो गए और भाजपा के चाणक्य घर में बैठ गए। जो खुद को रणनीतिकार बता रहे थे वो दोबारा नए सिरे से प्लानिंग में लग गए। ईडी काम में लग चुकी थी, ईडी अभी से नहीं, पिछले काफी वक्त से लगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ईडी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, ईडी को मनचाहे गवाह मिलने लगे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़े खुशी की खबर थी, जिस पर तालियां बजा रहे थे, गोदी मीडिया चर्चा कर रही थी, इंडिया INDIA उसमें से N को नीचे गिरा करके कह रही थी इंडिया टूट गया, इंडिया गठबंधन खत्म होने वाला है, चुनाव से पहले ही भगदड़ मच गई, सिर्फ फुटव्वल होने लगा, क्या क्या आपने सुना पिछले 48 घंटों में। शुरुआत हुई अखिलेश यादव से, मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर के अखिलेश और कांग्रेस के बीच में जो कुछ हुआ उस पर तड़का लगा नीतीश कुमार के बयान से। लेकिन अब एक फोन हुआ नीतीश कुमार के पास, नीतीश ने कॉल रिसीव की और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। ये पूरा घटनाक्रम एक रैली, CPI की रैली थी, डी राजा वहां पे CPI महासचिव वो भी मौजूद थे, उस मंच से शुरू हुआ। मंच पर डी राजा के साथ जो बिहार में महागठबंधन है उसके सभी घटक थे, तेजस्वी यादव भी थे, नीतीश कुमार भी थे, कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि पाठक जी को, कृपानाथ पाठक, उनको भेजा गया था। सवाल यहां पर भी उठा था कि आखिर कांग्रेस से कोई बड़ा नेता, जिम्मेदार नेता क्यों मंच पर नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने सफाई दी कि जो उनके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो बाहर थे, तो प्रतिनिधि के रूप में पाठक जी को भेजा गया। लेकिन इस मंच से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर या इंडिया अलायंस पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया, जैसा कि पहले से लालू यादव के गांधी परिवार से करीबी संबंध हैं। उस संबंध को और इंडिया गठबंधन के बीच की एकता को बरकरार रखने के लिए शायद तेजस्वी ने अपनी जुबान नहीं खोली। लेकिन नीतीश कुमार एक मझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, राजनीति में छोटे से संदेश को कैसे दिया जाए, पहुंचाया जाए, शायद नीतीश कुमार से बेहतर एक ही दो लोग होंगे या नीतीश कुमार के बराबर एक दो लोग होंगे, और शायद उनमें शरद पवार एक हैं जो नीतीश कुमार के समकक्ष अभी हैं, नहीं तो वैसा माहिर खिलाड़ी अब कोई है नहीं राजनीति में भारत के। नीतीश ने मंच से इंडिया अलायंस को लेकर के एक टिप्पणी की, टिप्पणी में बस इतना था कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस काफी बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है, और इंडिया अलायंस जस का तस पड़ा हुआ है, गठबंधन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। नीतीश का इतना बोलना भर था, पूरे देश में गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार एक्टिव हो गए और बताने लगे इंडिया से N खिसक गया, इंडिया टूटने वाला है। लेकिन सब पर पानी फेर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जैसे ही ये खबर आई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई, और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी पब्लिक जो है स्टेटमेंट के, बिना किसी ट्वीट के सीधे नीतीश कुमार को फोन मिलाया। नीतीश कुमार से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई, खड़गे साहब ने जो है नीतीश कुमार को बोला कि देखिए चुनाव बस अब अपने चरम पर है, पीक पर है, चुनाव खत्म होने दीजिए, आपकी कोई नाराजगी हो तो हम हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं, चुनाव खत्म होने दीजिए, ये चुनाव भी इंडिया अलायंस के ही चुनाव हैं, BJP को हराने के लिए ही चुनाव हैं, और इन चुनावों में जहां जहां भी चुनाव हैं मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस मौजूद है।
इतनी बात हुई नीतीश कुमार को, जो चाहिए था, जो कम्युनिकेशन, जो संवाद चाहिए था, वो संवाद शुरू हो गया और मामला खत्म हो गया। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार ने जब ये बयान दिया था, उसी शाम में लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के आवास पहुंच गए थे और 40 मिनट वहां बैठे थे। उस 40 मिनट की बातचीत में नीतीश कुमार के रैली में जो दिया गया स्टेटमेंट था, बयान था, उस पर चर्चा से लेकर के सीट शेयरिंग तक सब पर चर्चा हुई। अब नीतीश कुमार जो वरिष्ठता में भी और नेतृत्व में भी आगे हैं, नीतीश कुमार ने जो संदेश दिया था उसके बाद जो ये शुरू हुआ था कि अखिलेश यादव की बात नीतीश ने बढ़ाई, अखिलेश नीतीश अब इंडिया अलायंस से खुश नहीं हैं, उन सब पर एक बार में पानी डाल दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे साहब वरिष्ठ हैं, दलित नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हर तरीके से, और एक सुलझे हुए मैच्योर व्यक्ति हैं। तो उनकी बातचीत के बाद नीतीश कुमार का जो रिएक्शन है, उससे अखिलेश यादव को भी यह संदेश गया है कि इंडिया अलायंस को लेकर के आपसी भीतर की बात जो भी है वो संवाद से हल की जाए। ये जश्न मनाने का मौका गोदी मीडिया या अंधभक्तों को, बीजेपी के रणनीतिकारों को न दिया जाए। जो भी उनको करना है वो अपना ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए ही करें, देश के सामने देश की जनता को देखने का मौका दें कि मोदी अब इस हताशा की स्थिति में हैं कि उनके पास ईडी, आईटी, सीबीआई इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए आप, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिए कि क्या किसी भी गठबंधन के भीतर इतना लोकतंत्र नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे से नाराजगी या खुशी को पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से कोई नेता जाहिर कर सके और इतनी अपनी नाराजगी या किसी तरह के कोई शिकायत अगर कहीं पर कोई नेता, एक गठबंधन का नेता जाहिर करता है तो क्या इतने भर से तत्काल उस मीडिया को, उस गोदी मीडिया को जो नीतीश कुमार के 1,20,336 नियुक्ति पत्र एक दिन में बांट देने की खबर पर मौन था, ये नहीं दिखा रहा था कि मंदिरों में घंटा बजवाने के लिए जब एक पार्टी, उस पार्टी से जुड़े संगठन पूरे देश में लगे हुए हैं कि एक साथ 5,00,000 मंदिरों में घंटा बजे, उस दौर में एक मुख्यमंत्री एक दिन में 1,00,000-1.25 लाख युवाओं को नौकरी दे रहा है, जिस मीडिया हाउस ने ये नहीं दिखाया, क्या वो मीडिया हाउस किसी पार्टी का एजेंडा बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से गठबंधन में अपनी शिकायत या अपनी बात रखने को तत्काल जनता के बीच इस तरीके से पेश करना कि अब गठबंधन में फूट है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्या यही गोदी मीडिया का काम? और गोदी मीडिया इसीलिए उनका नाम है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।